इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉर्चरी हाउस से, जहां पर आपको बता दें कि व्यक्ति को करंट लगने के बाद जो है उसकी मौत हो गई है। तमाम पुलिस की टीमें पहुंची, बताया जा रहा है कि वो कच्चा कर्मचारी था, बिजली बोर्ड का कच्चा कर्मचारी था और पोल लाइनें खींच रहा था और अचानक से जो है एक लाइन जो है वो चालू थी। मौके के चश्मदीद हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या हुआ था? गाँव नमदारपुर मुस्ताद के पास। क्या हुआ था? सर हम पोल खड़े करे थे अपना बस स्टैंड के पास, जो मंडी रास्ता जाता है ना पोलो प्लास्टिक से, वहाँ पे तो तीन लाइनें बंद थी, चौथी लाइन बंद नहीं थी। फोर मैन ने हमारे को बोला भी चलो काम कर लो, बना लाइनें बंद हैं ऑलरेडी, लेकिन एक लाइन चालू थी, हमारा लास्ट का पोल रहेगा। तो ओनली वहाँ पे हम पोल खड़ा करने लगे, वो तार पे पोल टकरा गया, वो नीचे बंदे ने हाथ में पकड़ रखा था, खड्डे में डाला वगैरह उसको, तो वो जैसे ही तार के टकराया उसको बंदे करंट लग गया। लाइन चल रही थी। उस लाइन पे परमिट नहीं लिया था? उस पे लाइन पे फोरमैन को पता, परमिट लिया नहीं लिया उस पे लिया ही नहीं उन्होंने, सुनील मेहता जी। ये होगा जी 9:30-10:30, 11:00 जिसके साथ हादसा हुआ है वो कहाँ का रहने वाला, उसका नाम वो नमदारपुर मुस्तावाद गाँव का। नाम क्या था उनका? दिनेश कुमार। एज कितनी थी? 33। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बस कोई भी नहीं है, वही लड़का था, अच्छा कर्मचारी था, ठेकेदार के पास लगा, ठेकेदार का नाम है योगेश शर्मा जी। कितने सालों से कर रहा था वो काम? 3-4 साल से लगभग कर रहा था। अभी आप क्या? बस हम तो कह रहे भी न्यायपूर्ण कोई मिले क्लेम, जो भी सिस्टम है। किसकी लगती है प्रश्न, ठेकेदार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है, बिजली बोर्ड की लापरवाही है, ठेकेदार को बोल रही है उनके आपस में। हाँ सभी लाइन पर होना चाहिए, लाइन मैन हमारे पास होना चाहिए था, लाइन वगैरह जो लाइन मैन होता है वो जय साहब को या फोर मैन को हमारे पास छोड़ना चाहिए था, वो है नहीं था मौके पे। तो भी हम मौके पे थे, हम तीन बंदे थे। देखे क्या, मैं भी साथ में था जी, आपको भी लगा करें। बस मैं बचाव हो गया हम दो लड़कों का जी। अच्छा। उसने बोल, उसका हाथ पहले लग गया जी, हम पीछे हट गए उसमें। कितने वोल्ट की लाइन थी? 11,000। मौके भी खत्म हो गया? मौके पे कुछ सांसें थे, हम तुरंत ही भी उसमें कार में बैठा के हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे बस हॉस्पिटल में आने के बाद दम तोड़ा। रास्ते में कुछ क्या कह सकते हैं इसके बारे में, पहले तोड़ दिया है बाद में थोड़ा, हम तो हॉस्पिटल में प्रयास हमने पूरा प्रयास किया। कितने लोग थे जिन्होंने बचाने की कोशिश की? हम 3-4 थे। अभी तो कोई नहीं आया सर हमारे पास, सूचना दी उनको? सूचना दे रखी है, ठेकेदार को बोल दिया हम, जिसके पास हम काम कर रहे थे ना उनको बोल दिया। ठेकेदार भी आया मौके पर? ठेकेदार पे आ रहे हैं। आप लोग जब काम कर रहे थे आपको बताया गया था कि सारी लाइनें चालू हैं या बंद है? हमारे को तो ये बोला कि बंद है सारी लाइनें बंद है, आप काम कर लो। अचानक से करंट आ गया? अचानक से जो भी आया करंट, तो लाइन चालू होगी तभी करंट आया। वहाँ पे हम तीन थे वहाँ पे जी, एक महीने बंदा हमने स्विच पे बैठा रखा था जी। कौन सी जगह पे कर रहे थे? ये अपना बस स्टैंड से जो सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं ना, पोल ऑफ प्लास्टिक से इधर से वहाँ पे। क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या मामला संज्ञान में आया? अभी एक सर रुका आया था सिविल हॉस्पिटल से, भी कोई करंट लगने की वजह से सिविल अस्पताल नगर में एडमिट हुआ है, तो उसका ब्रॉड डेड का रुका आया था हमारे पास, तो हमने मौके पर जा कर के देखा तो पोल से 11,000 वोल्टेज की थी, उसके साथ पोल टकराने से, करंट लगने से इनकी मृत्यु हुई है। तो अब बयान लेकर के देखते हैं, जो जैसी भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। कहाँ का रहने वाला था, कितनी उम्र? ये लड़का है, दिनेश नाम है, पिताजी का नाम रोशन लाल है, नमदारपुर गांव का रहने वाला, मुस्ताबाद का। इसकी उम्र करीब 33 साल है, तो यहाँ वहाँ ठेकेदार के पास लेबर का काम करता था, तो एज ए काम करते हुए कि करंट लगने से मृत्यु हुई। परिवार द्वारा शिकायत की गई है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो उनके जीजा जी आए हैं हमारे पास, उनका जैसा बयान होगा ऐसी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है, किसी की लापरवाही? लापरवाही फिलहाल तो कुछ नहीं है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन में जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी।